हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए जानकारियों पर डिस्कशन करेंगे। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न एल्बिडो के बारे में है। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक एल्बिडो क्षमता है? चार दिए गए क्षेत्रों में लिथोस्फेयर, वायुमंडल, जलमंडल, क्रायोस्फेयर है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले आपको एल्बिडो क्या है इसे समझना होगा। एल्बिडो का मतलब ये होता है कि पृथ्वी का कोई भी सतह, चाहे वो जलमंडल हो, वायुमंडल हो, बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हो या फिर घास हो, यदि सूर्य से आने वाले प्रकाश को उसके जितने अधिक प्रतिशत को वापस भेज देते हैं, इस क्षमता को एल्बिडो कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में, तो क्रायोस्फेयर ये एक ऐसा सतह है जो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, चाहे वो कहीं पर भी हो, बर्फ के रूप में हो तो उसे क्रायोस्फेयर कहा जाता है। क्रायोस्फेयर ही इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों का लगभग 90-95% तक वापस भेज दिया जाता है, इसलिए एल्बिडो की सबसे ज़्यादा क्षमता क्रायोस्फेयर के अंतर्गत माना जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। आप इस चित्र के माध्यम से देखकर समझने की कोशिश करें कि सूर्य के अलग अलग क्षेत्रों में किरणें आ रही हैं, उनमें से आप जो बर्फ वाला क्षेत्र है वहाँ देख सकते हैं कि लगभग 80-95% तक ये वापस भेज दिया जाता है। घास में भी क्षमता होती है एल्बिडो की, जो लगभग 20-25% सूर्य से आने वाली किरणों को वापस लौटा दिया जाता है। वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों का होता है। आपको इन सारे चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये याद रखेंगे कि लगभग 80-95% तक जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं, जिन्हें हम क्रायोस्फेयर कहते हैं, उनके द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि प्रकीर्णित किया जाता है। जो चंद्रमा को हम देखते हैं उसके द्वारा भी एल्बिडो की घटना को देखा जा सकता है। सूर्य से निकलकर जो किरणें चंद्रमा से टकराती हैं, उनका लगभग 6-8% ही हम तक एल्बिडो के माध्यम से टकराकर पहुंच पाता है और हम देख पाते हैं। अगर हम बात करें क्रायोस्फेयर का, तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के अंतर्गत कोई भी ऐसा सतह जो बर्फ के रूप में ढका हुआ हो, चाहे वो समुद्र में हो, झील में हो, नदी में हो, या फिर ग्लेशियर के रूप में हो, या फिर किसी दूसरे क्षेत्र में ऐसे ही बर्फ जमा हुआ हो, तो उन सारे क्षेत्रों को मिलाकर क्रायोस्फेयर कहा जाता है। यूपीएससी ने मेंस में इससे संबंधित प्रश्न पूछा था, आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन क्या कहता है, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप पठार की तुलना में दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीप पठार में खनिज विविधता अधिक है। उत्तर पूर्वी कहने का मतलब है कि भारत के छोटा नागपुर, उसके नीचे ओडिशा का क्षेत्र या फिर इसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बारे में बताता है कि उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप पठार। आगे बताता है दक्षिण पश्चिम प्रायद्वीप पठार, मतलब ये वाला क्षेत्र। इन दोनों में तुलना करके बताता है कि इधर, यानी कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ज़्यादा खनिज विविधता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप यदि मैप को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि उत्तर पूर्वी इलाका जो है भारत का, वहाँ पर ज़्यादा खनिजों की विविधता पाई जाती है, इसलिए इस पहला जो है वो गलत है। इसी प्रकार का एनालाइज किया हुआ ज्ञान आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में काम आएगा, तो आप इस तरह के डिस्कशन को ध्यान से सुना कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, प्रायद्वीप पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में खनिज धारवार चट्टानों की प्रणाली से जुड़े हुए हैं, मतलब इस क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में जो खनिज पाया जाता है उनका आधार धारवाड़ प्रकार के चट्टानों से हैं, ऐसा दूसरा कथन बता रहा है। ये बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो चट्टानें पाई जाती हैं उन्हें ही धारवाड़ चट्टान कहा जाता है, और यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की खनिज संपदा पाई जाती है,
दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या कहता है? तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट, टंगस्टन जैसी खनिज हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, पाए जाते ही हैं, चाहे वो उत्तर पूर्वी इलाका का क्षेत्र हो या फिर कश्मीर के क्षेत्र में हो या अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में हो, पाए जाते हैं। इसलिए तीसरा कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला गलत हो जाता है, सही पूछा गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में जो भी जानकारी है, चलिए उस बात पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम भारत के खनिज क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर पूर्वी पठार का क्षेत्र, जिसमें हम छोटा नागपुर, उड़ीसा का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इनको देख सकते हैं, इनको शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर लौह अयस्क, कोयला, मैगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, ये सब कुछ पाया जाता है। अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम पठार का, तो यहाँ पर जो खनिज है, जो क्षेत्र है, उसमें कर्नाटक, गोवा और सीमावर्ती तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ धात्विक खनिज, बॉक्साइड, लौह अयस्क, मैगनीज, चूना पत्थर और कुछ बहुत कोयला के अवशेष भी पाए जाते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। हालांकि केरल के क्षेत्र में मोनाजाइट और थोरियम भी वहाँ के रेत में पाए जाते हैं, लेकिन झारखंड के और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में यूरेनियम के अवशेष हैं, तो इस वजह से आप देखेंगे तो विविधता के मामले में उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वो ज़्यादा समृद्ध है, तो इसे आप ध्यान रखें। इसी प्रकार से यदि हम बात करें भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का, जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से राजस्थान के अरावली से लेकर गुजरात के उत्तरी हिस्से को शामिल करते हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से धारवाड़ प्रकार की चट्टानी अवशेष वाले खनिज पाए जाते हैं, जिसमें तांबा, जस्ता इत्यादि प्रमुख हैं। राजस्थान में कुछ विशेष प्रकार के पत्थर जैसे कि बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर इत्यादि भी पाए जाते हैं। जिप्सम, जिसे मुख्य रूप से चूना पत्थर और सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है, इसका अवशेष भी राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसे ही हम यदि बात करें हिमालयन बेल्ट का, तो यहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और टंगस्टन इत्यादि पाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे इन सारी बातों को। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है? जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में निम्नलिखित राज्यों की व्यवस्था करें, मतलब आपको बताना है सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ है। तो आपको आसान होगा क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में फिर पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद में फिर कर्नाटक में है, फिर पंजाब में है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन ए या बी होगा। मुझे कर्नाटक और पंजाब में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप इसे देख लेंगे। ऐसे मैंने यहाँ पर इसका डाटा रखा होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है, क्योंकि आप देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है लगभग 1100 के आसपास, एक वर्ग किलोमीटर में 1100 लोग रहते हैं बिहार में। वेस्ट बंगाल में लगभग 1029 लोग रहते हैं, पंजाब में 550 लोग रहते हैं, कर्नाटक में 319 लोग एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। जनसंख्या के मामले में आप इन्हें देख सकते हैं। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है? इनमें से किस क्षेत्र में आपको श्वसन जड़ों के साथ एक पौधा मिलने की संभावना है? मतलब ये एक विशेष प्रकार के पौधे के बारे में आपसे पूछ रहा है। ये बताता है कि उस पौधे के जो जड़ होते हैं वो श्वसन लेने के लिए कुछ अलग प्रकार से विकसित हुए होते हैं। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में तटीय क्षेत्र, रेगिस्तान, सावन, यहाँ सावना होना चाहिए, और टुंड्रा। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इस विशेष प्रकार के श्वसन युक्त जड़ों का, तो ये मुख्य रूप से जो तटीय क्षेत्र होते हैं और तटीय क्षेत्रों में जो मैग्रो प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनमें इस प्रकार के जड़ देखने को मिलते हैं। आप यदि चित्र के माध्यम से देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। आप सबसे पहले इस चित्र को देखें, यहाँ पर आप पौधे को देख रहे होंगे, नीचे पानी है, लेकिन इसकी जड़ों का कुछ भाग जो है वो पानी के ऊपर है। इससे इनको फ़ायदा ये मिलता है कि जो समुद्री जल होते हैं, जो खारा होता है, जिसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम होता है, वहाँ पर भी ये मजबूती से खड़े होते हैं, अपने आप को विकसित करके रख पाते हैं।
वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर का जो जड़ है वहां पर कुछ तंतुएं निकली होती हैं और इनमें ही ऑक्सीजन को लेने की क्षमता होती है, श्वसन करने की क्षमता होती है। तो इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के वृक्ष मुख्य रूप से तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ पर इस प्रकार के वन हैं, तो आप बताएंगे वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हैं। ये भी आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है? भारत में ताड़ की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। किसके बारे में? ताड़ की खेती के बारे में। आप जानते हैं पाम ऑयल भारत में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला तेल में से एक है। पहला कथन क्या कहता है? ताड़ की खेती और उत्पादन में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। जी नहीं, ये गलत है। महाराष्ट्र ताड़ के तेल के उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर नहीं है, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन क्या कहता है? ताड़ की खेती में धान और गन्ने की तुलना में कम पानी की खपत होती है। यह बिल्कुल सही है। ताड़ की खेती यदि किसी क्षेत्र में किया जाता है तो धान और गन्ने की खेती तो वहीं किया जा सकता है जहां पर पानी की उपलब्धता लगातार होती रहे। हालांकि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में गन्ने की खेती की जाती है जहां पर नियमित रूप से जल की उपलब्धता नहीं है, इसके बावजूद जो पानी की जरूरत पड़ती है धान और गन्ने की खेती के लिए वो ताड़ की तुलना में ज्यादा है। इसे आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न, तीसरा कथन क्या कहता है? भारत में ताड़ का अधिकांश हिस्सा सिंचित भूमि पर उगाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। हालांकि जो ताड़ के पेड़ हैं या फिर ताड़ के जो पेड़ होते हैं जिनसे ताड़ निकाले जाते हैं वो आंध्र प्रदेश के इलाके में सबसे ज्यादा है और वो भी उस क्षेत्र में है जहां पर सिंचाई के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाता है। तो ये आप ध्यान रखें। आपको इसमें से सही पूछा गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान रखेंगे। इसमें एक अन्य बात जिसे आपको ध्यान में रखना है वो ये, हालांकि धान और गन्ने की तुलना में ताड़ के पौधों को, पेड़ों को, इसके पौधों को भी कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन नियमित रूप से पानी की आवश्यकता होती है। धान को तो नियमित रूप से भी चाहिए और ज्यादा भी चाहिए। गन्ना के लिए भी वही हालत है, मतलब इसको नियमित भी चाहिए और ज्यादा भी चाहिए, लेकिन ताड़ के पौधों के लिए कम चाहिए लेकिन नियमित चाहिए। तो ये आप एक महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे। अगर हम बात करें वैश्विक लेवल पर तो दो ऐसे देश हैं जहां पर ताड़ के तेल सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, एक तो मलेशिया और इंडोनेशिया। भारत विश्व का एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा तेल को आयात करता है और सबसे ज्यादा दूसरे तेलों का उत्पादन और उपभोग भी करता है। मतलब हम लोग इतना तेल खाते हैं कि हम लोग खुद के उत्पादन किए गए तेल से अपना मन नहीं भर सकते, हम लोगों को बाहर से चाहिए और हम लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया से। यही सबसे ज्यादा उत्पादक भी हैं ऐसे पपुआ न्यू गिनी इत्यादि उस क्षेत्र के, मतलब बहुत सारे जो प्रशांत महासागरीय देश हैं वहां पर भी इस प्रकार के तेलों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन ये दोनों ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा किया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखें। भारत में मुख्य समस्या तो यही है कि हमारे जो खेत होते हैं वो छोटे होते हैं, तो ये एक कारण है। क्षेत्रफल को उसका बढ़ाना पड़ेगा और साथ में जो अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो किसानों को फिर आपस में मिलने के लिए कहना पड़ेगा, तो ये तो सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था फ्रेंड्स। हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।